सच बता दो, ये बच्चा किसका है? कहीं तुम्हारा और रिधिमा का तो नहीं? नो चांस, उसने भी रिधिमा इंडिया में नहीं, और मेरे शिवाय की तो करतूत हो ही नहीं सकती। जरूर ये गुल ना ओमकार और रुद्र ने खिलाए। स्टॉप इट पिंकी, बिना सबूत के किसी पर इल्जाम नहीं लगाना चाहिए। ओ माय माता, हाथ कंगन के अरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या? सच में आप भूल गई क्या, ओमकारा वो कौन थी? रिधिमा। उसके साथ शादी से पहले ही रंगरलियां मना रहा था, लिविंस कर रहा था उसके साथ, और फिर बरेली जाकर पता नहीं क्या किया, जो गौरी से शादी करनी पड़ गई, उसके बाद वो श्वेतलाना भी आ गई। एक हो तो बताओ ना। और रुद्र के लिए तो मेरा मुंह मत ही खुलवाओ तो अच्छा है, इतने कपड़े नहीं बदलता जितनी गर्लफ्रेंड्स बदल लेता है। आए दिन तो लड़कियां उसकी लाइफ में एंट्री और एग्जिट्स मारती रहती हैं। मेरे बेटे का ट्रैक रिकॉर्ड्स बिल्कुल क्लीन है। तुम शायद टिया को भूल रही हो पिंकी। वो तो झूठी थी, फ्रॉड, एक नंबर की फ्रॉड्स, मेरे बच्चे को फंसा रही थी। लेकिन उस वक्त तो तुम्हें उसकी बात बिल्कुल सच लग रही थी। शिवाय ऑलरेडी मैरिड था, लेकिन उसके बाद भी तुमने टिया को अपनी बहू के रूप में स्वीकार किया, और उसके बाद भी उसके होने वाले बच्चे को ग्रैंडसन मानने के लिए तुम अच्छे से तैयार हो गई, बहुत खुशी खुशी। मान तो रही थी ना, आप लोग तो मुकर रहे हो। चुप रहो तुम दोनों, इस वक्त जिस मुद्दे पर बात हो रही है उस मुद्दे को रहने दो। मुद्दे से पिंकी भटक रही है माँ, जब हम अपने बच्चों से पूछ रहे हैं तो इसे इन पर उंगली उठाने की क्या जरूरत है? आप कुछ बोलेंगे या मैं ही बोलूं? भाई साहब प्लीज, ये मैटर इन बच्चों का है, इन्हें आपस में सामान्य दीजिए। हम बड़े आपस में क्यों लड़ाई झगड़ा था? हम झगड़ नहीं रहे, पिंकी झगड़ रही। हाँ हाँ, सारा कसूर मेरा ही है। घर में कोई भी कुछ भी करे, गलती हमेशा पिंकी की होती है। स्टॉप इट, इनफ इज इनफ। किस बात को लेके झगड़ रहे हैं आप लोग? इस नोट पे क्लियरली लिखा था कि ये ओबेरॉय का है, उसका मतलब है कि ये बच्चा हम में से तीन किसी एक का है। क्या हम लोग झगड़ रहे हैं? नहीं ना, इसी वजह से ना, हम आप लोगों को बताना नहीं चाहते। इस वजह से ये बच्चा हम तीनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओके? और हम इसे मुकर नहीं रहे। मुझे समझ नहीं आ रहा, ना तो हम आपसे कोई सोल्यूशन मांग रहे हैं, ना कोई हेल्प मांग रहे हैं। तू मैं किस बात की? झगड़ा ना दुनिया की हर प्रॉब्लम का हल नहीं है, नहीं तो दुनिया में प्रॉब्लम होती ही नहीं। वी अंडरस्टैंड, दिस इज अ प्रॉब्लम, वी अंडरस्टैंड दैट, वी रिकॉग्नाइज इट, और हम इसे फेस करेंगे, हम तीनों मिलकर करेंगे। लेकिन आप लोगों की तरह नहीं, झगड़ के नहीं, मैच्योरली फेस करेंगे। दुनिया में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, हम तीनों मिलकर सामना करेंगे। Just stop it, enough. लेकिन बिल्लू, पता तो होना चाहिए आखिर ये बच्चा है किसका? हाँ, तुम में से किसी का है भी कि नहीं? Even I want to know that. Don't worry. DNA test सब प्रूव कर देगा और सब क्लियर हो जाएगा, right? मैंने डॉक्टर को फोन करके बुला दिया, डॉक्टर थोड़ी देर में आ ही रहा है। Good. आराम से, ठंडा लगता होगा। क्या फालतू काट रहा है? हेयर स्टाइल खराब कर दिया बबली का। इतना दर्द तो मुझे अपने हेयर कट खराब होने पर भी नहीं हुआ। बबली के बाल संभाल के रखिएगा आप। हाँ। सिरिंज किस लिए डॉक्टर? डीएनए सैंपल्स लेने के लिए। इतना बड़ा? अब आप ये मत बोलिएगा कि ये बबली को लगेगा। डीएनए सैंपल्स सभी के लेने पड़ेंगे, बेबी के भी। एक सेकंड डॉक्टर, आप बच्चे का हेयर स्टैंड ऑलरेडी ले चुके हैं ना, फिर खून क्यों चाहिए आपको? इट्स अ प्रोसीजर मिस्टर ओबेरॉय। प्रोसीजर क्या, आपका तेल है, इसको तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डीएनए टेस्ट को फॉल्ट प्रूफ बनाने के लिए एंड टू मेक श्योर कि बेबी हेल्दी है, वी हैव टू टेक हर ब्लड सैंपल। बेबी बहुत हेल्दी है, तीन दिन पहले मुझे केक मारी थी, अभी तक दर्द हो रहा है। ये तुम लोग बातें ही करते रहोगे या डॉक्टर को अपना काम करने दोगे? एक मिनट डॉक्टर, खून निकालने का कोई पेनलेस प्रोसीजर होगा ना, बिना प्रिक किए बच्चे को? सॉरी मिस्टर ओबेरॉय, फिलहाल मेडिकल साइंस में ऐसा कोई तरीका नहीं है। नहीं है? ऐसे कैसे नहीं? इस रिसर्च के लिए ना मैं फंड्स डोनेट करूंगा। करेक्ट, ये प्रोसीजर बिल्कुल पेनलेस होना चाहिए बच्चों के लिए। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में पास कर रहा हूं। ऐसे बातें कर रहे हो जैसे बबली को पहली बार सुई लग रही है। ऑफ कोर्स, इसका वैक्सीनेशन तो हो चुका होगा। हाँ, लेकिन खून तो नहीं निकाला था ना। ये डिस्कशन हमें डॉक्टर को बुलाने से पहले कर लेना चाहिए था। डॉक्टर, अब खून निकाल। ओके, स्टॉप इट। प्लीज।
We don't want this test. What? हमें कोई फर्क नहीं पड़ता इस बच्ची का बाप कोई भी, और हमें जानना भी नहीं। ये बच्ची हमारी है। And that's fine. दादी, हम सेल्फिश हो रहे थे, छोटी सी बच्ची को तकलीफ दे रहे थे, लेकिन अब नहीं। ये बच्ची हम तीनों की है। And we are fine with that. Exactly. चांद किसी एक का नहीं होता, हम सबका उस पर एक हक भी होता है और एक रिश्ता भी। तो बबली के डैड कौन है, इससे क्या फर्क पड़ता है? इनफैक्ट ये बहुत लकी है, क्योंकि उसके एक नहीं, तीन तीन डैड्स। और ये हमारी बेटी है। का ये रिश्ता नहीं, सदियों का ये